हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सुंदर गले का डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैंने बुकरम लिया हुआ है जिसे मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच और लंबाई हमें इसकी टोटल रखनी है 6.5 इंच। तो पहले एक 5 इंच पर मार्क लगाएंगे और एक 6.5 इंच पर, और हमें कुछ इस तरह का पैटर्न चाहिए वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर साइड से हम लेंगे 1.5 इंच जितना आगे हमें लेना है और इसकी टोटल लंबाई है वो है 11 इंच। तो इस तरह से हमने ऊपर निशान लगाया वैसे लगा देना है और फिर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर नीचे कॉर्नर पे थोड़ा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने ये नेक डिज़ाइन को कट कर लिया है और इस तरह से हमें कुर्ती का जो कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक होता है वो ले लेना है। तो हमें ये इस तरह से डबल लेना है फैब्रिक और फिर यहाँ पर इस कैनवास को कुछ इस तरह से रखना है और आगे की तरफ हमें 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ देना है क्योंकि वहाँ पर हम पोटली बटन अटैच करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको पोटली बटन बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थर्मोकोल बॉल लिया है और जो फैब्रिक है उसके इस तरह से छोटे छोटे पीस करके रख दिए हैं। तो थर्मोकोल बॉल को कुछ इस तरह से रख कर हमें धागे की मदद से इसे जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से ये बहुत ही आसानी से और सुंदर पोटली बटन्स बनकर रेडी हो जाते हैं। आपको एक ही नाप के सारे थर्मोकोल बॉल रखने हैं। तो यहाँ पर ऐसे अच्छे से टाइट करते हुए धागे को लपेट लेना है और लास्ट में इस तरह से 2 नॉट लगा देनी है जिससे ये धागा बाद में खुल ना जाए इसलिए। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर और आसानी से पोटली बटन रेडी हो चुके हैं। इस तरह से हमें बाकी के भी तैयार कर लेने हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको ये सिंगल फुटर को हमें कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें इस सिंगल फुट को पहले यहाँ पर लगा देना है और फिर इसकी सेटिंग हमें किस तरह से करनी है वो आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुई बिल्कुल इसके अंदर है तो उसे हमें थोड़ा सा बाहर लाना है। तो इसके लिए हम इस तरह का जो साधन आता है उसे यूज़ करेंगे और पीछे से हमारा जो फुट है उसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा देना है। आपको बहुत ज़ोर नहीं लगाना है वरना ये टूट सकता है। तो इस तरह से हमें सुई को बाहर ला देना है जिससे जब हम पोटली बटन या फिर पाइपिंग बनाएंगे तो एकदम फिनिशिंग्स के साथ एकदम पतली पाइपिंग या फिर इस तरह के बटन अटैच होंगे। तो अब यहाँ पर हमें पोटली बटन को यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक साइड पर इस तरह से पोटली बटन अटैच कर लिए है। अब हम दूसरा फैब्रिक लेंगे और इसे भी इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर अब हम जो एक्सेस फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और इस तरह से भी जो ज़्यादा फैब्रिक है उसे निकाल देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बुकरम भी अटैच करना है इसके लिए। अब यहाँ पर इस तरह से एक धार सिलाई लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इस कपड़े पर उल्टी साइड पर हमें बुकरम को कुछ इस तरह से रख के इसके ऊपर अच्छे से गर्म करते हुए प्रेस को लगा देना है।
तो यहाँ पर मैंने इसे कपड़े से जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर ये जो गोटा पट्टी वाली लेस आती है उसे ले लिया है। तो यहाँ पर हम इसे सीधी साइड पर लगाएंगे। तो यहाँ पर बुकरम की किनारी को अच्छे से चेक करते हुए इस गोटा पट्टी को यहाँ पर लगा देना है। फिर उसके बाद हम इसे अंदर की साइड इस तरह से टर्न कर लेंगे और यहाँ पर मैंने कुर्ती का जो फ्रंट पार्ट है उसे ले लिया है और बीच में मिडल पार्ट पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने जो नेक डिज़ाइन रेडी किया है उसे भी रख देंगे और पहले मिडल में सिलाई लगा देंगे और फिर जो नेक डिज़ाइन है उसकी किनारी पर सिलाई लगा देनी है। और अब यहाँ पर हम बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और जो कॉर्नर से और गोलाई का पार्ट है वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा देंगे। और अब इसे सीधी साइड हमें टर्न कर लेना है और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अच्छे से पहले प्रेस लगा दी है और फिर यहाँ पर हम अब इसकी किनारी पर सिलाई लगाएंगे। तो अब यहाँ पर गोटा पट्टी को अंदर की तरफ कर देंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो भी अंदर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर भी हम किनारी पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर और ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।